नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिका और तुर्की में तनातनी के बीच अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध सोमवार को अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की वजह से लगाए हैं। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इन प्रतिबंधों में मुख्य रूप से तुर्की की रक्षा खरीद एजेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस को निशाना बनाया गया है। इस संस्था के कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए तुर्की को कहा है कि हमारे साथ तुरंत तालमेल बिठाकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करें। अमेरिका ने SSB के अध्यक्ष इस्माइल दिमीर, उपाध्यक्ष फारू इगित समेत कई लोगों पर वीजा प्रतिबंध समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर कई धाराओं के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। प्रतिबंधों के ऐलान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि आज का एक्शन एक साफ संदेश देता है कि अमेरिका के सहयोगी पूरी तरह से द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रो सैंक्शन एक्ट के सेक्शन 231 का पालन करेंगे। तुर्की एक मूल्यवान सहयोगी है और उसे समस्या का जल्द समाधान कर लेना चाहिए। बता दें कि अमेरिका तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर काफी समय से नाराज चल रहा है। अमेरिका का कहना है कि तुर्की ने सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर नियम तोड़े हैं। गौरतलब है कि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद 2019 की गर्मियों में की थी, जिसके बाद अब अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।